अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिवान से बड़ी खबर है, जहां एक पत्रकार के साथ मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार अपराधी बुधवार को पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घटना तब घटी जब नगर थाने की पुलिस अपराधी का मेडिकल चेकअप कराकर सदर अस्पताल से कोर्ट परिसर पहुंच रही थी। बता दें कि मंगलवार की शाम शहर के निराला नगर निवासी पत्रकार आकाश कुमार के पिता अमरनाथ श्रीवास्तव बाजार से घर लौट रहे थे, तो आरोपी मोहम्मद सारिक ने अपाची बाइक से उनकी स्कूटी में धक्का मार उन्हें गिरा दिया और उनसे रंगदारी की मांग करने लगा। वहीं जब पत्रकार आकाश कुमार वहां पहुंच विरोध किए तो मोहम्मद शारिक ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर उनके साथ मारपीट भी की और उनकी शर्ट की जेब से रुपए निकाल बाइक पर बैठ फरार हो गया। घटना के कुछ देर बाद मोहम्मद शारिक आकाश कुमार के घर पहुंच जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद अगल बगल के लोगों की सहायता से पत्रकार आकाश ने उससे पकड़ नगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया। वहीं बुधवार को नगर थाना पुलिस जब उसका मेडिकल टेस्ट कराकर जेल भेजने के लिए सिविल कोर्ट ले जा रही थी तो वह पुलिस को चकमा देकर हथकड़ी के साथ कोर्ट परिसर से फरार हो गया। अपराधी की पुलिस के कस्टडी से फरार होने की सूचना के बाद पत्रकार आकाश समेत उनका पूरा परिवार भय और दहशत में है। वहीं पुलिस फरार अपराधी की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। हालांकि SP शैलेश कुमार सिन्हा अभी पूरे मामले से खुद को अनभिज्ञ बता रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार फरार मोहम्मद शारिक अपराधी प्रवृत्ति का है और वह एक स्मैकी भी है। पिछले दिनों उसने एक महिला पुलिसकर्मी के साथ भी बदतमीजी की थी। वहीं सूत्रों की माने तो अपराधी के पुलिस कस्टडी से फरार होने के बाद पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। देखिए, जानकारी मुझे भी मिली है कि 1.5 साल से वो फरार हो गया है और ये कोर्ट में हम लोग काफी प्रयास के बाद उसे पुलिस तक पहुंचाए थे, क्योंकि वो लगातार मोहल्ले के लोगों के लिए सिरदर्द बना हुआ था। मेरे पापा के साथ कल चिन्हती कर रहा था और मोहल्ले में की बात थी तो कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैं गया वहाँ पे, तो मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करना, मारपीट करना वो किया और आज वो कोर्ट में पेशी के दौरान कोर्ट में पेश किया जा रहा था। इसी क्रम में उसकी मौत, वो जो है फरार हो गया और हथकड़ी सहित फरार हुआ जो सूचना मिल रही है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी पुलिस अधिकारी ने मुझे ऐसा कुछ बताया नहीं है, लेकिन उसको लेकर छापेमारी लगातार की जा रही है। दूसरी बात यह है कि हम लगातार पुलिस अधिकारियों को मैसेज कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं यहाँ सुरक्षा की, सुरक्षा दी जाए। वो मेसमाइकर है, उनकी पूरी टीम हमारे घर के आसपास घूम रही है, गाड़ी से घूम रहे हैं, घर के पीछे आगे सभी जगह घूम रहे हैं। मेरे अपने जो लोग हैं वो लोग बता रहे हैं कि उसके साथ रहने वाले लोग घूम रहे हैं, तो कभी भी मेरे साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और पुलिस की इस तरह से अनसुनी और लापरवाही हमारे लिए घाता सूट हो सकती है, खास करके मेरी हत्या भी हो सकती है। आपने आवेदन देकर मामला भी दर्ज कराया था? जी, आवेदन दिया था और मामला भी दर्ज कराया था और उसको मैंने खुद ही यहाँ आसपास के लोगों के सहयोग से पकड़ा भी था, क्योंकि घर पे आके धमकी दे रहा था, जान से मारने की धमकी दी थी। पूरी बात मैंने बताई थी, जान से मारने की धमकी दी थी और बार बार कह रहा था कि अकेले मिलोगे तो गोली मार देंगे, गोद के मार देंगे, तो इस तरह की समस्या कुछ अभद्र व्यवहार कर रहा था क्या? बहुत सारे लोगों से किया है और आसपास के लोग सभी लोग उससे परेशान थे और उसके साथ ही उसके परिवार के जो भी लोग हैं, जो भाई लोग हैं, सभी स्मैकर हैं, सभी नशे में रहते हैं और नशे में वो किसी को पहचानते नहीं है। कभी भी किसी के साथ कोई भी बड़ी घटना हो सकती है और जो भी शहर में घटनाएं हो रही हैं उस घटनाओं के कहीं ना कहीं ये बात कल उसकी माँ से बात हो तो माँ ने भी क्या कुछ कहा था कल की? उसकी माँ का तो रिकॉर्डिंग है, वो खुद बता रही होगी कि वो नशा करता है। आप लोग खुद सुनिएगा, उसकी वीडियो में ये दिख रहा है, उसकी माँ खुद कहती है कि वो नशा करता है, तो ये तो सोचने वाली बात है कि इस सब होने के बावजूद भी पुलिस अगर कार्रवाई नहीं कर रही है और इतनी लापरवाह बनी रहेगी तो हम लोग जैसे लोग की तो हत्या ही होगी ना।